नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। किसानों के आंदोलन का 100 दिन हो चुका है तो हर किसी के मन में है कि जो 3 महीने से ज़्यादा के वक्त में आंदोलन शुरू हुआ था उसकी हालत कब है, अब वो कैसे है। तो उन्हीं तस्वीरों को हम दिखाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर यानी यूपी बॉर्डर पर आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इन तस्वीरों को कि मंच लगा हुआ है, किसानों को संबोधित किया जा रहा है और हमने आपको कड़ाके की ठंड दिखाई थी, बारिश भी हुई थी उसे भी दिखाई थी, टेंटों में पानी घुस गया था वो तस्वीरें भी दिखाई थी। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए कि एक गर्मी का माहौल हो गया है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस साइड में लंगर चल रहा है और जो टेंट है टेंट भी लगे हुए हैं। हाँ, लोगों की संख्या थोड़ी बहुत कम ज़रूर है लेकिन टेंट जैसे पहले लगे थे, टेंटों की संख्या वही है, लंगर भी लगे हुए हैं और लोगों को संबोधित भी किया जा रहा है। तो हम कुछ किसानों से बात करेंगे कि आखिर 100 दिन हो चुके हैं, आखिर अब उनके मन में क्या चल रहा है। ताऊ कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ से आया हूँ सर। तो 100 दिन हो गए हैं, तो कैसे गए ये 100 दिन आपके? मेरे तो बढ़िया गए। तो अब क्या लगता है, सरकार तो मान नहीं रही बात? देखो मानेगी, मानेगी चुप, कब तक ना माने? मानेगी यार, कभी ना कभी तो झुकेगी। अगर आज नहीं मानेगी, वो जितना हटेगा, क्या हम लोग हटने वाले, पीछे हटने वाले क्या? नहीं हटेंगे, वो पीछे हटे तभी हम लोग घर जाएंगे, बिल को वापस ले इसके बाद ही हम लोग घर जाएंगे। तो हौसला जो है, हौसला वही है कि बिल वापस जब तक नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। 100 दिन हो गएंगे, क्या कहेंगे? अरे 200 दिन हो जाए, हमें तो मजे आ रहे हैं यहाँ पे, जब तो 300 दिन में तो वापस मजे आ रहे, मजे ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो दुखी की चीज की है, अभी टेंट लगा दिए, गर्मी का साधन हो जाएगा आराम से, जब 100 दिन बाद तो लेगा कानून वापसी, जब घर वापसी। बता दें कि ये जो टेंट अब गर्मी को देखते हुए टेंट लगा दिया गया है बकायदा किसानों के नीचे, और उस टेंट के नीचे किसान बैठे हुए हैं और लगातार जो मंच है किसानों को संबोधित किया जा रहा है और उन्हें किसान जो बिलों को लेकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है, जो खामियां हैं उन्हें गिनाई जा रही, उन्हें बताया जा रहा है। मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर।